सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जनता की फरियाद सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, गोरखपुर का दो दिवसीय दौरा है कल, जहां पर सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, गांव चलो अभियान को बढ़ावा देते हुए नजर आए थे। वहीं आज सुबह की फिलहाल लाइव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, जनता दरबार यहां पर उनके द्वारा लगाया गया है। और देखिए, जनता दरबार अमूमन जब योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद पहुंचते हैं गोरखपुर, तो वहां पर लगाते हैं, जहां पर कई सौ लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए मुख्यमंत्री तक, बातचीत का ये सरल तरीका। और इस बीच चिट्ठियों के जरिए कागज़ पर अपनी समस्या लिखकर वो मुख्यमंत्री को देते हैं, खुद मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। पूजा, देखिए बिल्कुल, जनता दरबार में आमतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। जब भी गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं, हर बारी तो जनता दरबार लगाते हैं। महिलाएं देखिए यहाँ पर खास तौर पर पहुँचती हैं अपनी फरियाद लेकर, जो भी उनके विषय रहते हैं उनके मसलों को सुलझाने की सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश करते हैं, उनको आश्वस्त भी करते हैं कि आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, अपना पूरा पत्र लेकर वो लोग पहुँचते हैं, पूरा डिटेल उसके अंदर रहती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर अधिकारियों को तुरंत से उनके जो मसले रहते हैं उनको सौंप देते हैं कि इनका समाधान होना चाहिए। तो ये हर बार जनता दरबार में एक प्रक्रिया रहती है सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं। तो इस बार भी गोरखपुर दौरे के दौरान में जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया है। तो देखिए तस्वीर, गोरखपुर से निकलकर सामने आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर। और बीते दिन की अगर बात करें तो 60 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और करीब 5 करोड़ रुपए की एक परियोजना का लोकार्पण आज करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ा तोहफा जो है वो भी आज गोरखपुर वासियों को देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच अगली खबर का रुख करते, दिल्ली से गुजरात के लिए निकले जेपी नड्डा, अहमदाबाद जाएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। गुजरात से राज्यसभा का नामांकन वो भरेंगे और नामांकन का आज आखिरी दिन है। इससे पहले आपको बता दें कि देखिए, लगातार अगर बात करें तो जेपी नड्डा हिमाचल से सांसद थे और अब क्योंकि वहां से सीट खाली हो रही है तो गुजरात से फिलहाल वो नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। दिल्ली से गुजरात के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा निकल चुके हैं, अहमदाबाद वो जाएंगे। और ये बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नामांकन भरेंगे, आज नामांकन का है आखिरी दिन। पूजा, और देखिए इस बीच 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए मंच तैयार हो चुका है। 15 फरवरी यानी आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से नामांकन भरने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कई और नेता भी चुनाव के लिए अपना पर्चा भरेंगे। इसमें कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और साथ साथ में अश्विनी वैष्णव भी शामिल हैं। इससे पहले चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के कई उम्मीदवारों ने बुधवार यानी कि कल 14 फरवरी को नामांकन किया था। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने नामांकन किया तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी नॉमिनेशन किया। सोनिया गांधी ने नामांकन किया, वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने राजस्थान से आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 3 राज्यसभा सीटों के लिए पूर्व रामलाल सुमन, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आलोक रंजन और जया बच्चन को भी नामांकित यहां पर किया गया। 56 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तैयारियां लगातार जारी है। उनमें 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, 6-6 सीटों पर महाराष्ट्र और बिहार में, 5 सीटों पर पश्चिम बंगाल में, 5 सीटों पर मध्य प्रदेश में, 4 सीटों पर गुजरात में, 4 सीटों पर कर्नाटक में, 3-3 सीटों पर आंध्र प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में यहां पर चुनाव होने वाले। देखिए साक्षी, पूरी जानकारी आप दे रही है, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते चले, जब गुजरात से नामांकन भरेंगे और उससे पहले जिस नामांकन भरने की निकलते हुए नजर आए अपने आवास से जेपी नड्डा, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, तो गुजरात से आज नामांकन भरेंगे और दिल्ली से गुजरात जब वो जा रहे थे तो उसकी तस्वीर आप देखिए। अभी तक जेपी नड्डा के हिमाचल से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन सूत्रों का कहना है कि चूंकि हिमाचल से मंत्री अनुराग ठाकुर भी चुनाव में उतरेंगे और ऐसे में नड्डा के उतरने से सत्ता संतुलन को लेकर अनावश्यक चर्चा होती। वैसे भी हिमाचल में सिर्फ 4 लोकसभा सीट है और 2 कद्दावर नेता यहीं से उतरते तो कार्यकर्ता का टिकट काटना पड़ता और इसलिए नड्डा को राज्यसभा भेजना तय हुआ है। और ये तस्वीर भी इस बीच देखते चलिए, जब जेपी नड्डा अपने आवास से निकलते हुए नजर आए और गुजरात पहुंचेंगे नामांकन भरते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा। रंजना, क्योंकि आप जानकारी हिमाचल की दे रही थी और अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा को अगर हम देखें तो पहले से परिवार में कलेश रहा है कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की बात करें तो कभी भी उनकी जेपी नड्डा से नहीं बनी, इसी वजह से उनको केंद्र में भेजा गया। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
लखपति दीदी सम्मेलन में वो पहुंचेंगी। बेड़ेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन में वो शिरकत करेंगी। कहा योजनाओं से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। देखिए लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से कहा गया कि इस योजना के जरिए महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। देखिए जाहिर तौर पर जो लखपति दीदी, आपने इस बार भी सुना होगा प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था जब उनका संबोधन था संसद में भी, उन्होंने कहा कि लखपति दीदी के जरिए हम महिलाओं को लखपति बनाने की, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें कर रहे हैं तमाम, और उस दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस बार जो एक टारगेट था उसको भी और इंक्रीज किया गया, तो जाहिर तौर पर अब जो लखपति महिला है उनको लाभ तो मिल ही रहा है। और अब जब द्रौपदी मुर्मू इन महिलाओं के बीच में पहुंची तो उन्होंने और भी महिलाओं को प्रेरित किया। और देखिए आगे बढ़ते बात कर लेते उत्तराखंड से आ रही खबर की, जिसका अखबारों में भी जिक्र किया गया। दरअसल धामी कैबिनेट में कई सारे फैसले लिए गए और उनके ऊपर मुहर भी लगी। धामी कैबिनेट में कई फैसलों पर मुहर लगी है और इसमें नई आबकारी नीति के साथ में कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। आबकारी से राजस्व में 11% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। और देखिए इससे पहले भी हमने देखा कई सारे प्रस्ताव रखे गए और विभाग के द्वारा ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। बिल्कुल, खबरों में बढ़ेंगे आगे। और देखिए एक और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने एडजमेंट के लिए जारी किए नए नियम और एक बार फिर नहीं मिलेगी स्थगन की अनुमति। बेल, एंटीसिपेटरी बेल और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जैसे मामलों से स्थगन जो है वो नहीं होगा और दूसरी प्रभावित पार्टी भी की सहमति है वो इसमें जरूर होगी। और स्थगन का आवेदन भी अब कॉल लिस्ट तैयार होने से एक दिन पहले देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग केसेस की प्रक्रिया तेज करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। राजस्थान पत्रिका में ये खबर का जिक्र है। खबरों में उड़ते आगे, किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान का दिल्ली मेट्रो पर हुआ असर। 14 फरवरी को 71 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो से सफर किया। समय पूर्व बादली से गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर तक की येलो लाइन काफी ज्यादा व्यस्त रही, कह सकते सबसे ज्यादा बिजी रही। येलो लाइन पर एक ही दिन में करीब 20 लाख ने मेट्रो से यात्रा की है, खबर फिलहाल मिल रही है। और अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। और चूंकि हम अखबारों का जिक्र कर रहे हैं और मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान अखबार है, हिंदुस्तान के जो फ्रंट पेज है उस पर भी बताया गया है और ये उसमें बताई गई जानकारी कि 3 मंत्री शामिल होंगे एक मीटिंग को लेकर फिलहाल बताया गया। और सबसे बड़ी बात कि 4 राज्यों से सामानों की आवाजाही अटकी, रिकॉर्ड 71 लाख यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया, जिसकी जानकारी हमने आपको भी दी भी। और बचाव के लिए नायाब तरीके अपना रहे हैं किसान। और आगे बढ़ते बात होगी सीएम केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों की। ईडी का 6ठा समन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी ने 6ठा समन भेजा है। 19 फरवरी को पेश होने का आदेश है। ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए अभी तक अरविंद केजरीवाल। और देखिए इसी ईडी के समन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब 6ठा समन जारी हुआ है और इस बार उनको पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि मामला कोर्ट भी पहुंच गया था, ईडी कोर्ट पहुंच गई थी और कोर्ट ने भी कहा था कि आपको पेश होना होगा। ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए अभी तक अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने कहा कि आप आइए हाजिरी लगाइए। आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे लोकसभा चुनावों की, क्योंकि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये बड़ी बात सामने आ रही है। अच्छा, एक खबर इसलिए भी आ रही है क्योंकि अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि रायबरेली से इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है सोनिया गांधी और वहां से डेब्यू कराया जाएगा एक्टिव पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी का। लेकिन अभी खबर ये आ रही है कि प्रियंका खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। हाँ, वो प्रचार की कमान तो संभालेंगी। लेकिन वजह क्या कुछ हो सकती है इसके पीछे? देखिए क्योंकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर बार बार यूं तो मांग होती रही पार्टी के अंदर भी और कार्यकर्ता लगातार एक्सपेक्ट करते रहे कि प्रियंका को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन या तो कांग्रेस को ये समझ में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा तो नहीं, क्योंकि पिछली बार एकमात्र सीट आई थी वो भी रायबरेली सोनिया गांधी की थी और अब सोनिया गांधी भी राज्यसभा के लिए नामांकन अपना कर चुकी हैं राजस्थान से। तो जाहिर तौर पर अगर डेब्यू ऐसा होगा, क्योंकि इस बार तो रायबरेली सीट पर भी खतरा है, तो ये प्रियंका गांधी के भविष्य के लिए, पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए भी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है, मेरा अपना एक आकलन है। और देखिए एक बड़ा डिसीजन ये हो सकता है कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस को हो सकता है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। आगे बढ़ते हैं रंजना। बिल्कुल, तो देखिए बहुचर्चित बेहमई हत्याकांड में 43 साल बाद कोर्ट का फैसला आ चुका है और एक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। मुख्य आरोपी फूलन देवी सहित 13 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है और बेहमई से फूलन देवी और उसके डकैत गिरोह ने 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी और अमर उजाला में इस खबर का जिक्र किया। 7वीं लोकसभा कामकाज पर रिपोर्ट आपको बताते हैं जिसका जिक्र अखबारों में किया गया। ज्यादातर विधेयक हो गए पारित, सिर्फ 5 विधेयक ही लैप्स है। 58% बिल 2 सप्ताह के भीतर पारित हुए और ये लगातार जानकारी दी गई कि 17 लोकसभा कामकाज की आखिर क्या रिपोर्ट है, कितने विधेयक पारित हो गए, कितने बचे हुए हैं, इसकी जानकारी अखबारों में दी गई।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात होगी हाईकोर्ट के 3 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुजॉय पॉल, कोलकाता के हाईकोर्ट के जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य, तेलंगाना हाईकोर्ट के जज बनाए गए केरल हाईकोर्ट की जज अनु श्रीनिवासन कर्नाटक ट्रांसफर हुए। तो ये 3 हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर हैं जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। और एक बार फिर से खबरों में बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से चिंता बढ़ गई है। दरअसल आंदोलन को लेकर अभिभावकों की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं और कुछ जगहों पर शुरू होने वाले हैं। इस बीच टिकरी, सिंघू बॉर्डर और इन सभी इलाकों में रहने वाले जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हैं। बच्चों के परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने की चिंता उनको सता रही है, क्योंकि CBSE बोर्ड में देखिए जो सेंटर्स होते हैं वो आपके स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, दूसरे स्कूलों में जाकर बच्चों को एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और इसकी वजह से उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। कई कई बार बहुत ज्यादा लंबे लंबे ट्रैवल करने पड़ते हैं और इसकी वजह से जो यातायात है अगर वो ही इंपैक्टेड है तो आपके एग्जाम के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इसके ऊपर जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी गई CBSE बोर्ड के द्वारा, और CBSE बोर्ड ने कहा है कि आप सभी बच्चे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं वो अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है उसकी वजह से उनके एग्जाम्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। बिल्कुल, तो बढ़ी गई खबरों में आगे देखिए, किसानों के नाम पर राजनीति बंद हो और आंदोलन पर भारतीय किसान संघ का ये स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। RSS से जुड़ा किसान संगठन ने भारतीय किसान संघ और किसानों के दिल्ली चलो मार्च का समर्थन नहीं, BKS का ये कहना है और ये आंदोलन किसानों के हित में नहीं है। आगे बढ़ते पंजाब दौरे पर जा सकती हैं ममता बनर्जी। 21 फरवरी को पंजाब जा सकती हैं बंगाल की CM ममता बनर्जी। आम आदमी पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकती है, केजरीवाल भगवंत मान के साथ उनकी मीटिंग हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा नेताओं के बीच हो सकती है तो खबर मिल रही है। और ऐसे में देखिए, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में पूजा ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में, जितना मैं गलत नहीं हूँ, तो ऐलान कर ही चुके हैं। बिल्कुल, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का और दिल्ली में एक सीट देने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है। ममता बनर्जी बिल्कुल किनारा कर ही चुके, नीतीश कुमार पहले टाटा बाय बाय कर चुके हैं, तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन में अब कुछ बचता नहीं। कुल मिलाकर सिर्फ अखिलेश यादव यूपी में बचे हैं और वो भी मुझे लगता है कि जल्दी अपनी जो स्थिति है वो क्लियर कर देंगे। तो ये इस वक्त इंडिया गठबंधन की स्थिति है। आगे बढ़ते बाद फिर से आंदोलन की होगी। किसानों की मांग खजाने पर भारी, MSP गारंटी से 10 लाख करोड़ का भार बढ़ेगा, कमेटी की सुस्त चाल से संकट विकास योजनाओं का पैसा कहां से आएगा, ये सवाल बने हुए। देखिए, जो MSP गारंटी कानून की बात की जा रही है उसको लेकर एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इससे जो दबाव है वो और बढ़ने वाला है, और इसीलिए कल शायद कृषि मंत्री ने ये बात कही कि अगर जल्दबाजी में कोई फैसला लिया जाता है तो आने वाले दिनों में इससे परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि समस्या का समाधान बातचीत के जरिए किया जाए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और देखिए, सरकारें भी एक्टिवली काम कर रही हैं। खुद हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ में, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ में मुलाकात करी और दोनों समस्या का समाधान निकालने के लिए तमाम मंत्रियों के साथ में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए राजस्थान से आ रही खबर की बात कर लेते हैं। टीचर्स को शिक्षा मंत्री की नसीहत, शिक्षा मंत्री मदन दिलावल की 2 टूक सामने आई है। दरअसल पूजा नमाज के नाम पर गायब हुए तो कार्रवाई की जाएगी, स्कूल के समय ये सब नहीं चलेगा। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि एजुकेशन के साथ में, पढ़ाई के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो पूजा की बात हो या फिर वो नमाज अदा करने की बात हो। बिल्कुल, तो राजस्थान से भी अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बजरी में मनी लॉन्ड्रिंग और मेघराज और 6 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 4 जिलों में 18 ठिकानों पर तलाशी तेज कर दी गई है। बजरी डाका का रिकॉर्ड कब्जे में उदयपुर, जयपुर में 3-3 जगह सर्च अभियान जारी है। और पिछले साल की अगर बात करें तो ECIR ने केस दर्ज की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबर। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे, बाबा बद्री के दर्शन आप कर पाएंगे। बसंत पंचमी पर मंदिर कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया है। 25 अप्रैल को भगवान के अभिषेक के लिए तिल का तेल पिरोया जाएगा और इसके बाद तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएगी। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है। और ये भी आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे तो दर्शन कर पाएंगे सभी श्रद्धालु। चलिए आगे बढ़ते बात होगी राजस्थान की। सोनारी धरती जठे, पहली बार राजस्थान में स्वर्ण खदान नीलामी। बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा में 222 टन भंडार तांबे की खोज के दौरान लैब टेस्टिंग में मिला सोना। 11 टन अयस्क निकलने का अनुमान है। स्वर्ण खनन में 25% हो जाएगी प्रदेश की हिस्सेदारी। इसी के साथ ही तो एक अच्छी खबर है।
बिल्कुल। और देखिए बांसवाड़ा ट्राइबल एरिया है और अपनी ग्रीनरी और अपनी झीलों के लिए बांसवाड़ा जाना जाता है और ये भी एक कारण है कि वहां पर इस तरीके की खोज लगातार जारी है। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। अडानी की कंपनियों की रेटिंग अपग्रेड की गई है। मूडीज ने 4 कंपनियों की रेटिंग अपग्रेड की है। इन कंपनियों की रेटिंग नेगेटिव से स्टेबल की बताई गई है। अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल ताकत दिखाई है, मूडीज ने इस रिपोर्ट में कहा है। अडानी ग्रुप फंड जुटाने में कामयाब रहा है। मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार ये पॉजिटिव खबर अडानी ग्रुप के लिए आई है। बिल्कुल। तो खबरों में बढ़ेगी आगे लोकसभा चुनाव की बात। जम्मू में बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला और कश्मीर की 3 सीटों पर लड़ेंगे 3 पूर्व सीएम फारूक उमर और महबूबा लड़ेगी चुनाव। और चुनाव की तैयारियों में पार्टी देखिए जुट गई है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है आगामी लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है। तो जम्मू में बीजेपी कांग्रेस के बीच यहां पर मुकाबला होगा और चुनाव की तैयारियों में फिलहाल सभी पार्टी जुटती हुई नजर आ रही। महिमा, राजस्थान से अगली बड़ी खबर, धर्मांतरण का हफ्ते में दूसरा मामला सामने आ गया। भरतपुर में चंगेजी सभा के नाम पर धर्मांतरण हुआ, एक गिरफ्तार हो चुका है, बाकी भाग चुके हैं। यूपी से गरीबों को भरतपुर लाकर धर्मांतरण कराया जाता था, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। सरपंच ने पंचायत बुलाने की बात यहाँ पर कही और इस पूरे मामले को लेकर होगी तफ्तीश। आगे बढ़ते हैं पूजा। और देखिए इंडोनेशिया राष्ट्रपति चुनाव, एक दिन में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। प्रोबोवो सुवियांतो ने बनाई निर्णायक बढ़त, भारत से रिश्ता गहरा होने की उम्मीद है। प्रोबोवो को जोको विडोडो का समर्थन हासिल, जोको विडोडो वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं। अगली खबर थाईलैंड से, आपको बता दें कि थाईलैंड भेजी बुद्ध के शिष्यों की अस्थियां। दरअसल सारिपुत्र और महामोगल्यान की अस्थियां भेजी गई हैं। MP 72 ईयर्स के बाद में बताया गया है कि सांची मंदिर से निकाली गई हैं और ये खबर हमने आपको थाईलैंड से बताई। बिल्कुल,